गुजरात के वडोदरा में सागर कंसल्टेंट द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। फॉरेन एजुकेशन बिजनेस के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए वडोदरा की जानी मानी सागर कंसल्टेंट द्वारा नॉलेज सेमिनार का आयोजन किया गया। बरसों से एजुकेशन फील्ड में कार्यरत 10,000 से भी अधिक लोगों को विदेश पहुंचाने वाले अनुभवी सागर कंसल्टेंट द्वारा बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से जुड़ी तमाम जानकारी एजेंट तक पहुंचाई गई। सभी को सही जानकारी मिल सके इस उद्देश्य से इस सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट और ऑपरेशन हेड दिशा गुप्ता मौजूद रही और एजेंट्स के तमाम प्रश्नों के जवाब दिए। यहाँ पे आने का मेन एजेंडा आज ये है टू एजुकेट स्टूडेंट्स, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारा जनवरी 2024 इनटेक है, उसके बाद हमारा सितंबर 24 इनटेक है। किस तरीके से स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हमारी स्कॉलरशिप क्राइटेरिया, एंट्री क्राइटेरिया, कैसे वो इनरोल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सागर कंसल्टेंट्स के पास आके ज़्यादा सपोर्ट ले सकते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैं मेनली आई हूँ यहाँ पे। इसमें थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आती है जो कि बच्चे आसानी से सागर कंसल्टेंट की गुजरात की किसी भी ब्रांच में आके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं टू फाइंड के वो कितने तरीके से एलिजिबल हैं। अगर आयल्स करना है, जैसे उन्होंने बताया, फ्री आयल्स कोचिंग भी वो करवाते हैं, तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं बच्चों को। इंडिया हमारी सबसे पॉपुलर मार्केट है, सबसे ज़्यादा बच्चे जो हमारे पास आते हैं वो इंडिया से आते हैं, तो हम एक काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी हैं, काफ़ी टाइम से है, हमारी जो हिस्ट्री है मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड यूनिवर्सिटी है। हम लोग यूके में सबसे टॉप मोस्ट लोकेशन पे हैं यूके की, वो है बर्मिंघम, जो सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है यूके की और वन ऑफ द हाइएस्ट जॉब प्रोड्यूसर है। बच्चों को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है जॉब्स के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, हर तरीके से जब वो एक ओवरसीज कंट्री में जाते हैं, तो ये सारा हमारा एक क्राइटेरिया है जिसपे हम बहुत फोकस करते हैं। कंसल्टेंट्स को जो एक बिजनेस में काम करते हैं उनको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएंगे, डिटेल्स समझाएंगे, क्यों एडमिशन करना चाहिए, वहाँ पे क्यों साइन करना चाहिए बच्चों को, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, क्या फीस है, ये सब चीज़ बताएंगे। उसके लिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करी थी। 12th के बाद के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स में रहे, साइंस में रहे, कॉमर्स के लिए हर एक कोर्स अवेलेबल है। उनको बायोलॉजी में पढ़ना है, बायोमेडिकल में पढ़ना है, इंजीनियरिंग पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है, ड्रामा पढ़ना है, म्यूजिक्स पढ़ना है, हर एक चीज़ पढ़ सकते हैं।